नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल और ये है क्लास 12th का सेशन। इसके अलावा आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नाउ अडेज। और वैसे भी हमेशा से ये जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। कैसे इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा आज के सेशन में आपको मालूम होगा। बहरहाल आप हमारे टोल फ्री नंबर्स नोट कर सकते हैं जो आपके काम आने वाले हैं, 1800 111 265 और 1800 112 199। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी cieet.kishormanch@gmail.com। लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी आप YouTube पर देखेंगे, वहाँ पर आप यदि चाहें और आपके जहन में कोई प्रश्न आता है तो यू कैन आस्क अस अ क्वेश्चन, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर इट ड्यूरिंग द शो। अदरवाइज हम उसके बाद ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। बहरहाल हम जुड़ते हैं, हमारी जो गेस्ट हैं शी इज़ विद अस इन द स्टूडियो, डॉक्टर वीनू वाधवा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। गुड आफ्टरनून डॉक्टर वीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो वुड रिक्वेस्ट यू टू लेट अस नो इन ब्रीफ, बिकॉज गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दीज आर द टू वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस का जो टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज के दिन एक के समय में एज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट COVID-19, इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस नाउ, सो द काउंसलर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी हेक्टिक जॉब नाउ। एब्सोल्युटली। सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड टुगेदरनेस, हाउ दे आर कनेक्टेड? ओके, सो आपने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया, बिकॉज मैं यही चाह रही थी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बात करते हुए मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण देकर इस विषय की चर्चा पे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। देखिए, आजकल हम सब एक पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, सब अपने अपने घरों में बंद हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, घर के थ्रू बैठकर ही हम अपने स्कूल के काम कर रहे हैं या ऑफिस के काम कर रहे हैं, और ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है। हम एज ह्यूमंस सोशल बीइंग्स हैं, हमें हमेशा हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मिलें, लोगों को मिलकर हम अपने व्यूज़ एक्सचेंज करें, अपने थॉट्स एक्सचेंज करें। एक सोशल इंटरेक्शन एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन ने हमारे लिए ये बहुत बदल दिया, और चाहे हम फ़ोन पर या किसी और प्रकार से लोगों से मिल ज़रूर रहे हैं, लेकिन जो एक सोशल इंटरेक्शन हम लोगों के लिए ज़रूरी है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण हम मानसिक तनाव, स्ट्रेस और ज़्यादा सीरियस सिचुएशंस हो जाएं तो डिप्रेशन में भी अपने आप को पा सकते हैं। ऐसी स्थिति में गाइडेंस और काउंसलिंग या मार्गदर्शन और परामर्श के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गाइडेंस क्या होता है या मार्गदर्शन क्या होता है, और परामर्श क्या होता है। गाइडेंस को हम एक अम्ब्रेला टर्म समझ सकते हैं, जिसके अंडर काउंसलिंग या परामर्श आता है। गाइडेंस का मतलब केवल ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपकी राह दिखा सकता है, अगर आप तनाव में हैं आपकी बात सुनकर आपके तनाव को कम करने की कोशिश कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप सोचते हैं कि मैं इससे अपने मन की बात शेयर कर सकता हूं या कर सकती हूं, और उस एफर्ट से जो वो मार्गदर्शन देते हैं या जो वो गाइडेंस हमें देते हैं, हम अपने राह को हैप्पी बनाने की तरफ जा सकते हैं। काउंसलिंग थोड़ा और स्पेशलाइज्ड हो जाता है, और आज की चर्चा में हम काउंसलिंग के बारे में थोड़ी ज़्यादा बातचीत करेंगे, स्पेशली बिकॉज काउंसलिंग एक स्पेसिफिक करियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। काउंसलिंग एज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस हमें इस प्रोसेस में हेल्प करती है कि हम अपने आप को समझें, अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझते हुए हम आगे बढ़ें। तो काउंसलिंग है क्या एक्चुअली? काउंसलिंग को अगर हमें डिफाइन करना हो तो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ट्रेन्ड काउंसलर, एक कॉम्पिटेंट काउंसलर, काउंसली जो उनके पास गए हैं हेल्प लेने के लिए, उन्हें
अपनी समझ और अपने एक्सपर्टीज से हेल्प करते हैं टू बी एबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, एक इंट्रोस्पेक्शन करने की वो मदद करते हैं, जिससे हम अपने आप को समझें, अपनी स्थिति को समझें और अपने प्रॉब्लम्स को समझते हुए डिसीजंस लेने की तरफ वो हमें उस राह पर डाल देते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं। तो काउंसलिंग एज अ प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आजकल जहां हम पैंडेमिक के तनाव से हर घर परेशान है। तो ऐसी सिचुएशन में काउंसलर्स का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है और हो जाता है। पर गाइडेंस और काउंसलिंग का स्कोप क्या है, कैसी सिचुएशंस में हम गाइडेंस और काउंसलिंग की तरफ निर्भर कर सकते हैं? मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ पा रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर रेगुलर अपने आसपास के लोगों से बात करके मैं अपने आंसर्स नहीं पा रही हूँ, तो मैं एक काउंसलर के पास जा सकती हूँ जो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी पर्सनल सिचुएशंस को समझने में हेल्प कर सकें। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए भी बच्चे सोच सकते हैं, अगर वो अपने माता पिता की गाइडेंस से या अपने मित्रों या टीचर्स की गाइडेंस से अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं हल कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर वो काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं उन्हें अपनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और उनके लिए सॉल्यूशंस निकालने के लिए। इनफैक्ट हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हों, हर ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए एक पहला स्टेप होता है, है ही नहीं, यू कैन नॉट डिपेंड इन एनी स्पेसिफिक एरिया। एब्सोल्युटली। और उस केस में मुझे ये भी लग रहा है कि जो एक काउंसलर की जो जॉब है, इट इज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज़ वो खुद एक ह्यूमन बीइंग है, सो दे कैन नो देयर स्टेट ऑफ माइंड बेटर देन द अदर वन। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक काउंसलर होने के लिए पहले अपने आप की मनस्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड वंस यू आर क्लियर अबाउट योर सेल्फ, आप दूसरों की हेल्प और आसानी से कर सकते हैं। और लाइक मैंने अभी कहा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, काउंसलर हमेशा टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करते हुए जो क्लाइंट है या काउंसिली है उनको हेल्प करने में बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट बेसिकली आप अगर देखें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में हर तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जिसको काउंसलर हेल्प कर सकता है, वो तो ओवरऑल हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आज स्कूल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मैं बहुत अग्रेसिव हो गई, मैंने ऐसा रिएक्शन कर दिया कि मुझे स्कूल में सस्पेंड करने की बात आ गई है, ऐसी सिचुएशन में काउंसलर मदद दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और उस सिचुएशन को समझकर उस सिचुएशन से बाहर निकलने की राह वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। काउंसलर और काउंसिली की सिचुएशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। इस कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं काउंसलर हूँ और मेरे साथ कोई क्लाइंट आकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसकी प्रॉब्लम्स को दुनिया से ना शेयर करूं, वो मेरे साथ ही रहनी चाहिए, ताकि जो काउंसिली है, जो क्लाइंट है या जो बच्चा है, उसको ये कॉन्फिडेंस रहे कि उसकी प्रॉब्लम का कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को लोग समझेंगे और उसको सॉल्यूशन देकर उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद देंगे। काउंसलर इज अ पर्सन who you can say who sits in the confession box of the church. Yes, that's a beautiful way. Yes, मुझे एकदम से याद आया ये चीज, मैंने एक फिल्म भी देखी, शायद अमर अकबर एंथोनी में ये सीन है कि वो जाते हैं कन्फेशन बॉक्स में, फादर से बात करते हैं, तो एक ऐसा लगता है क्योंकि वहां पर धर्म है, वहां पर विश्वास है, वहां पर ईश्वर की छाया है, बहुत अच्छा, अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूं। बहुत अच्छा। तो काउंसलर की जॉब वाकई में बिल्कुल आसान नहीं है, एंड आई एग्री विद यू कि दिस इज रियली अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू शुड कीप द थिंग्स विद योरसेल्फ।
किसी और से ना कहें आप, एब्सोल्युटली जो ट्रस्ट होगा वो बढ़ता चला जाएगा। एब्सोल्युटली, ये एक काउंसलर का सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट और रोल होता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे, और उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट को या क्लाइंट को सही राह पे डालते हुए आगे ले चले। आगे बढ़ते हैं, कैसी सिचुएशंस होती हैं जहां हमें लग सकता है कि काउंसलिंग की जरूरत है? व्हेन वी नीड काउंसलिंग, एब्सोल्युटली। तो सबसे पहली बात जहां काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है वो है अगर एंग्जाइटी लेवल इतना हाई हो जाए कि हम खुद अपनी सिचुएशंस को ना हैंडल कर पाए, या हम अपने माता पिता या मित्रों से बात करके भी अपनी एंग्जाइटी को ना हैंडल कर पाए। ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए ताकि जो हमारा मेंटल स्टेट है वो पीसफुल हो जाए, और काउंसलर इस सिचुएशन में हमें बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरी स्थिति ऐसी आती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि जब हम एक परफॉर्मेंस लेवल पे जाते हैं तो हम उन एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पाते। मान लीजिए मैंने सोचा हो कि मैं इतना अच्छे से पढ़ी हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस में मुझे 5 stars मिलेंगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन 5 stars की रहे, लेकिन जब मेरी परफॉर्मेंस होकर रिजल्ट आता है तो इतने स्टार्स नहीं मिलते, तो दैट कैन लीव मी फीलिंग रियली बैड कि मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्यों किया। और जब एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस में तालमेल ना रहे तो काउंसलिंग की सिचुएशन पड़ सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से वो चाहें कि काउंसलिंग की जरूरत है, मैरिटल इश्यूज में काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, करियर गाइडेंस के लिए काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है। स्कूल स्टूडेंट्स में अगर हम देखें तो कई बार स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके डिस्ट्रैक्शन लेवल्स हाई होते हैं, मेमोरी इज नॉट हेल्पिंग देम, वो चीजें याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। एंग्जाइटी होना बहुत नॉर्मल है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर फ्यूचर। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम वी आर ग्रोइंग और हमें सब कुछ आता है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी हैव दिस। जो एक पेशेंस लेवल है, शायद वो एक बहुत बहुत कहने का छोटा सा वर्ड है लेकिन उसके जो मायने वो बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। समझने के लिए उनको सबको एफर्ट्स डालने होंगे, चाहे वो काउंसलर्स हो, उनके टीचर्स हो, या पेरेंट्स हो। हाँ जी, पेरेंट्स का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स बच्चों की बात ही नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं, और जब इसमें भी एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, चाहे वो पेरेंट टू चाइल्ड हो या टीचर टू चाइल्ड हो, अगर एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे तो एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, और अगर वो स्ट्रेस से नहीं कोप कर पाते और वो स्ट्रेस जो है डिस्ट्रेस की तरफ चला जाता है, तो फिर दोबारा काउंसलिंग की तरफ बेंड करने की जरूरत पड़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो हमारे दिमाग में रह जाती हैं, हम उन्हें नहीं समझ पाते, उन्हें दिमाग से नहीं निकाल पाते, और प्रेजेंट में आकर उनसे हम जूझ नहीं पाते। जब हम ऐसी सिचुएशन में भी आते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से फेस कर लेते हैं कि उनका आंसर ना पाने के कारण हमें फिर दोबारा काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में काउंसलर अगर हमें हेल्प कर सकें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि काउंसलर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि काउंसलिंग किन किन प्रकार की या किन लेवल्स की हो सकती है। एक तो इनफॉर्मल काउंसलिंग होती है, जो मैं बार बार ये जब बोलती हूँ कि हम अपने माता पिता से बात कर लें या अपने मित्रों से बात कर लें, या कोई ऐसा रिलेटिव है, कजन है, अंकल है, आंटी है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनके साथ हमें ये लगे कि मैं खुल के अपनी बात कर सकती हूँ और वो मेरी बात को समझेंगे और सेंसिटिव रहेंगे मेरी बात को। जब हम ऐसे व्यक्ति के पास जाकर कुछ काउंसलिंग लेने की कोशिश करते हैं तो उसे हम इनफॉर्मल काउंसलिंग कह सकते हैं। एक सेकंड लेवल ऑफ काउंसलिंग होता है जो कि एक नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग हो। नॉन स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है? नॉन स्पेशलिस्ट
एक काउंसलर नहीं है, ट्रेंड काउंसलर नहीं है, पर एक डॉक्टर हो सकते हैं या हमारी कोई टीचर हो सकती है, या मान लीजिए हम एक ऐसी सिचुएशन में है कि हमें एक लॉयर से मिलना है, तो लॉयर भी हमें एक नॉन स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग दे सकते हैं। और तीसरा लेवल जो कि प्रोफेशनल लेवल ऑफ काउंसलिंग है, वो एक प्रोफेशनल या ट्रेन्ड काउंसलर ही कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज जानते हैं जो वो प्रयोग कर सकते हैं क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। काउंसलर अक्सर तरह तरह के टेक्निक्स का भी प्रयोग करते हैं। एक तो होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें काउंसलर के रोल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। काउंसलर ही गाइड करेंगे अपने क्लाइंट को अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए, और काउंसलर ही गाइड करेंगे उनको प्रॉब्लम को समझने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में काउंसलर का रोल लीडर का रोल हो जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्टिव काउंसलर, जो काउंसलर सेंटर्ड होता है। दूसरी तरह का काउंसलिंग टेक्निक जो होता है उसे कहते हैं नॉन डायरेक्टिव या क्लाइंट सेंटर्ड। इसमें काउंसलर थोड़ी सी बैक सीट लेते हैं और वो अपने क्लाइंट को या काउंसली को इस प्रकार गाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करें और उसको खुद अपने अंतर मन में ले जाकर समझने की कोशिश करें, और उसको समझने के बाद क्लाइंट ही खुद सजेस्ट करे कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, और उसको हैंडल करके क्लाइंट या काउंसली खुद ही डिसीजंस लेते हैं, फाइनल डिसीजंस, जिसके द्वारा वो प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कंटिन्यूम बन गया, एक तरफ काउंसलर की इम्पोर्टेंस ज्यादा है और एक तरफ क्लाइंट की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। इन दोनों का प्रयोग करते हुए एक तीसरा टेक्निक बनता है जिसे हम कहते हैं एक्लेक्टिक काउंसलिंग। एक्लेक्टिक काउंसलिंग में बेसिकली काउंसलर ही डिसाइड करते हैं कि किस सिचुएशन में मेरा रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी सिचुएशन में मैं क्लाइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दूं। तो वो प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, क्लाइंट के मान लीजिए टेम्परमेंट को ध्यान में रखते हुए, और बेसिकली काउंसलर ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे डायरेक्टिव काउंसलिंग के क्या मेथड्स यूज करने हैं और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के क्या मेथड्स यूज करने हैं, और इन तीनों मेथड्स का प्रयोग करते हुए वो काउंसलिंग टेक्निक को आगे लेकर जाते हैं। अब जब काउंसलिंग टेक्निक डिसाइड हो गया कि हमने किस प्रकार करना है, तो द नेक्स्ट स्टेप दैट वी कम टू इज अंडरस्टैंडिंग कि काउंसलिंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए। हाउ डू वी अप्रोच द काउंसलिंग प्रोसेस एंड हाउ डू वी टेक द काउंसलिंग प्रोसेस फॉरवर्ड। तो काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट थिंग जो मैंने पहले भी कहा था, इज कॉन्फिडेंशियलिटी। दैट वी हैव टू नो एज एन एथिकल इम्पोर्टेंस, दैट द काउंसलर हैज टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। एक जो वो गोपनीयता की रिक्वायरमेंट है, वो काउंसलर को हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब क्लाइंट या काउंसली काउंसलर के पास पहुंचते हैं, तो काउंसलर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है काउंसली को कंफर्टेबल करना। इसे हम कहते हैं एक रैपो डेवलप करना। और रैपो डेवलप करने से हम जो क्लाइंट है उसको बिल्कुल एक कंफर्टेबल सिचुएशन में ले आते हैं, जिससे क्लाइंट को लगे कि हाँ ये मेरे मित्र है और मैं इनसे अपने मन की हर तरह की बात शेयर कर सकता हूँ, जो मेरे मन में है मैं बोल सकता हूँ, और ये काउंसलर मुझे जज नहीं करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर ये रैपो डेवलप हो जाए तो ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है। जब रैपो डेवलप हो गया और क्लाइंट ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू कर दिया, तो सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जिसमें काउंसलर क्लाइंट की बात सुनकर, उसको समझकर, प्रॉब्लम को असेस करने की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। जब प्रॉब्लम को समझ लिया,
तो द थर्ड स्टेप इज कि काउंसलर और काउंसिली, यानी कि काउंसलर और उनका क्लाइंट मिलकर एक गोल सेट करते हैं कि हमें इस सिचुएशन से हम क्या अचीव करना चाहते हैं. मान लीजिए हम वही एग्जांपल लेते हैं, जो स्टूडेंट है जो मेमोरी मेमोराइज नहीं कर पाता अपने सब्जेक्ट मैटर को, तो काउंसलर और स्टूडेंट मिलकर एक गोल सेट करेंगे कि हम कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए 6 सेटिंग्स के बाद हम अचीव कर लेंगे कि हम हमारा मेमोरी या मेमोराइजिंग प्रोसेस इंप्रूव हो जाए. ठीक है, तो जब ये गोल डिसाइड हो गया तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में काउंसलर का रोल थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अब काउंसलर अपनी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए स्टूडेंट को हेल्प करना शुरू करेंगे कि आप कैसे अपनी मेमोरी की प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरह के मेथड्स आप यूज करके अपनी चीजों को याद करने की कोशिश बेटर कर सकते हो. एक तरीके से गोल सेटिंग करेंगे. एब्सोल्युटली, टू सेट सम गोल्स. एब्सोल्युटली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है वो खुद गोल सेट करे या क्लाइंट जो है वो खुद गोल सेट करे, क्योंकि जब वो खुद गोल सेट करते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है वो गोल को अचीव करने के लिए. तो जब वो गोल सेट हो गया, टेक्निक्स यूज होने शुरू हो गए, 6-8 सेशंस हो गए काउंसलर के साथ, फिर एक प्रोसेस आ जाता है जिसमें अब ग्रेजुअली आपने स्टूडेंट को आत्मनिर्भर करना है जी. कि अब वो काउंसलर पे ना डिपेंड करके अपने आप पे डिपेंड करके वो आगे बढ़ना शुरू करे. तो इस सिचुएशन में अब ग्रेजुअली हमें काउंसलिंग सेशंस को टर्मिनेट करना शुरू करना है, तो एक टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं. और टर्मिनेशन यानी कि काउंसलिंग सेशंस को खत्म करते हुए हम फॉलो अप सेशंस की तरफ बढ़ते हैं. फॉलो अप में होगा, मान लीजिए 1 महीने बाद क्लाइंट काउंसलर के पास आएंगे और वो बताएंगे कि मैं कितना अचीव कर पाया जो आपने मेरे लिए गोल सेट किए थे. तो इस तरह के एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट को प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं जी. अब गोल्स किस प्रकार के सेट हो सकते हैं जी. या गोल्स जो हम सेट करते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं. हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है काउंसलर का वो गोल्स के फंक्शंस को समझना है. अब वो किस तरह के गोल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं. सबसे पहला है मोटिवेशनल फंक्शन. जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब हम क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो अपने गोल्स खुद डिसाइड करें कि मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ इस सेशन के बाद, तो क्लाइंट ही खुद मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे इतने सेशंस तक तो ये जरूर अचीव करना है कि जब मैं अपने काउंसलर को इतनी बारी मिल चुकी हूं तो मुझे ये जरूर अचीव करना है. तो गोल सेटिंग का एक मोटिवेशनल फंक्शन हो जाता है. दरअसल बीच में एक चैलेंजिंग फैक्टर है. बिल्कुल, काउंसलर के लिए भी और काउंसलिंग के लिए. बिल्कुल, क्योंकि दोनों को उस गोल की तरफ बढ़ना है. तो अनलेस बोथ आर इन्वॉल्व एंड कमिटेड टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल वो नहीं कर पाएंगे. So there is no point to discussion and to go further for the sessions as well. हाँ ये दोनों के लिए challenging factor. Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने. Second function जो आ जाता है वो है educational function. उसमें काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट को नई टेक्निक्स बता रहे हैं, नए तरीके बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. तो ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट जो है वो उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि उनको प्रैक्टिस करते हुए वो सही अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं. एक तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन फंक्शन. इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? इवैल्यूएशन का ये मतलब है कि क्लाइंट भी और काउंसलर भी असेस करेंगे कि हम अब उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. इवैल्यूएट करेंगे, अगर तो हम अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं
तो बहुत अच्छा चल रहा है प्रोसेस। मान लीजिए इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि गोल हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा कि हमें अब गोल को अचीव करने के लिए नए टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत है। तो ये काउंसलर और क्लाइंट के बीच में तालमेल की रिक्वायरमेंट है। लास्ट फंक्शन जो होता है वो है क्लैरिफिकेशन का फंक्शन। क्लैरिफिकेशन का फंक्शन का मतलब ये है कि हम कंसर्न्स और इश्यूज जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो हमारे प्रॉब्लम इश्यूज हैं, उनको हम लगातार रिविजिट करें, क्लैरिफाई करें कि वो ठीक से हैंडल हो रहे हैं या नहीं। अब हमारा नेक्स्ट जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि जो एक सक्सेसफुल काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको समझना है हमें। हमने क्लाइंट के बारे में समझ लिया, हमने काउंसलर और उसके टेक्निक्स के बारे में समझ लिया, हमने काउंसलर क्या टेक्निक्स यूज करता है और किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हैं ये भी समझ लिया। पर अब एक जो सक्सेसफुल काउंसलिंग सेशन है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले, लाइक हमने पहले भी बात की, हमें ये तो समझ आ ही गया कि एक काउंसलर होते हैं और एक काउंसलिंग पाने जो आए हैं उनके पास एक काउंसलर होते हैं, दोनों का इंटरेक्शन होता है इन अ सक्सेसफुल काउंसलिंग प्रोसेस। Both have to be able to ready to share, right? है ना? So the client has to be able to share its problems, right. And the counselor has to be able to accept and listen to those problems. So these two individuals have to actually come together with right. each other, and both have to agree कि हाँ हम ये चाहते हैं कि ये process आगे बढ़े। So that's the first step. Counseling is basically going to help us into self-realization, एक अपने मन को समझने, अपनी स्थिति को समझने के बारे में काउंसलिंग का प्रोसेस हमें हेल्प करेगा। तो इसको करने के लिए, जैसे आपने अभी कहा था, एक ट्रस्टिंग एनवायरमेंट बनाने की जरूरत है, एक सेफ एनवायरमेंट बनाने की जरूरत है, और इसको करते हैं काउंसलर। काउंसलर वो एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे काउंसलिंग सेशन जो है कंफर्टेबली चल सके और काउंसलिंग प्रोसेस सक्सेस की तरफ बढ़ सके। एक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो काउंसलर की तरफ से आती है वो है टू हैव एन एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट, जो मर्जी क्लाइंट हो, चाहे वो जो जेंडर का है, चाहे उसके क्या ओपिनियंस हैं, क्या व्यूज हैं, उसकी क्या एंग्जाइटीज हैं, मतलब देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस जो मर्जी सिचुएशन हो। ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप काउंसलर शुड बी अ गुड लिसनर। एब्सोल्युटली, आप उसको जानते Absolutely. ही नहीं हैं, यू कैन नॉट बी जजमेंटल टाइप ऑफ थिंग। एब्सोल्युटली, जैसा भी है वो व्यक्ति, आप कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ तो सब एक दूसरे को अपना लेते हैं, लेकिन वो आपके अपने ही होते हैं जो आपकी बुराइयों को भी अपनाते हैं, क्योंकि कोई संपूर्ण नहीं हो सकता है। और काउंसलर की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि वो हर प्रकार से अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करें, मतलब नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट जहां क्लाइंट को लगे कि हाँ मैं यहाँ सेफ हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और मैं यहाँ अपनी सारी बात आराम से बोल सकती हूँ और कोई मुझे जज नहीं करेगा और कोई मुझे ये नहीं बोलेगा तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ सक्सेसफुल सेशन। इसके बाद एक जेन्युइननेस होनी चाहिए काउंसलर में, काउंसलर में एम्पथी होनी चाहिए। एम्पथी का क्या मतलब है? काउंसलर शुड बी एबल टू फील व्हाट द क्लाइंट इज फीलिंग। जब हम एम्पथी की बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि काउंसलर के पास ये समझने की शक्ति होनी चाहिए कि काउंसिली के मन में इस समय क्या चल रहा है, rather than feeling sympathetic for the client। ऐसा नहीं होना चाहिए। The counselor should be able to feel empathetic for the client। और जब एक mutual respect की situation बन जाती है और दोनों एक दूसरे को accept करना शुरू कर देते हैं, तो successful counseling process में हम पहुंच जाते हैं।
अनकंडीशनल उसमें होना बहुत जरूरी है, आपने कहा कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, एब्सोल्युटली वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली अगर हम ऐसा नहीं होता है तो, क्योंकि काउंसलिंग की जॉब में यदि आप आए हैं मुझे लगता है एक तरीके की ओथ टेकिंग सेरेमनी है आपकी। बिल्कुल, जैसे हमारे आर्म फोर्सेज अगर उन्होंने बंदूक उठा ली और वो हमारी सेफ गार्ड के लिए खड़े हैं, हाँ जी, तो मैं कभी भी हम लोग आम लाइफ में ये नोटिस करते हैं, आप उन्हें जब भी देखेंगे स्टैंडिंग पोजीशन उनकी हमेशा सावधान की होती है, दे आर वेरी वेरी अलर्ट, शायद इसीलिए उन्हें ये सक्सेस मिला भी हालिया जो उन्होंने हम सबको बचाया है, उनके पास बहुत सारा मतलब आर्म्स एंड एमिनेशंस था जो घुसपैठिए थे कहना चाहिए, तो आई मस्ट रिस्पेक्ट टू देम। और इस तरीके की जॉब वाकई में एक इंटरनल कहते हैं कि घर में भी बहुत जरूरत है, बिल्कुल, तो ये काउंसलर की जॉब आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जितनी भी बातें आप कह रहे हैं कि काउंसलर को किस प्रकार का होना चाहिए, वो सारी चीजें अगर होंगी तो ये काउंसलिंग प्रोसेस बहुत आसानी से क्लाइंट को अपने आप को समझने में और अपनी स्थिति को समझने में और अपने स्ट्रेसेस को समझने में मदद करके क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। देखिए, स्ट्रेस भी बहुत जरूरी है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेस होता है जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जो हमें मोटिवेट उसमें एक फोर्स होता है जो आपको आगे लेकर, बिल्कुल, और लाइफ में हर जो आपका आई थिंक इफ आई एम राइट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एक जो टाइम फ्रेम होता है, चाहे आप अपने कॉलेज लेवल पर हो या इनिशियली आपने एक फर्स्ट जॉब मिला हो 2-4-5 साल का, फिर आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो जो स्ट्रेस लेवल है वो टाइप ऑफ आगे पुश करेगा, आगे करने के लिए यू कैन ग्रो एंड यू कैन राइज इन योर लाइफ। हाँ जी, वो चीज़ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बट अगर यही पॉजिटिव स्ट्रेस पॉजिटिव ना रहते हुए नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ बढ़ जाए या डिस्ट्रेस की तरफ बढ़ जाए तो काउंसलिंग वाली सिचुएशंस आ जाती हैं, क्योंकि एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हम उन एंजाइटीज को नहीं मैनेज कर पाते एंड उसके कारण हमें फिर प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत हो जाती है। अब देखते हैं कि काउंसलर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक पॉजिटिव काउंसलिंग सेशन के लिए जरूरी है। तो जैसे कुछ बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काउंसलर को ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसको नॉन जजमेंटल होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि काउंसलर को बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, पेशेंटली द काउंसलर शुड लिसन टू एवरीथिंग दैट द क्लाइंट इज सेइंग। एक प्रोफेशनल काउंसलिंग सिचुएशन में नॉर्मली काउंसलर एडवाइस नहीं देते हैं, वो क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि वो खुद अपनी सिचुएशन को समझे और खुद उस सिचुएशन को समझते हुए अपने आंसर्स ढूंढे। तो द काउंसलर शुड बी एबल टू डू दैट एंड द काउंसलर शुड बी ट्रस्टवर्दी। काउंसलर को ये गारंटी देनी चाहिए कि मैं आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, गोपनीय रखूंगा और हर तरह के एथिक्स जो है काउंसलिंग के उनको मैं फॉलो करूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर द काउंसलर। काउंसलर शुड बी सेंसिटिव, काउंसलर शुड बी फ्रेंडली। एक अटेंशन स्किल जो है जो कि ध्यान से अपने क्लाइंट को देखने और सुनने की रिक्वायरमेंट जो है वो काउंसलर को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज वर्बल नहीं होती। जब क्लाइंट बात कर रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस, उनके जो एक्शंस हैं या कुछ चीज बताते हुए जब वो बीच में एकदम शांत हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं या उनकी आंखें नम हो जाती हैं, ये सब चीजें भी काउंसलर को समझने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सेंस काम कर रहा है। हाँ जी, जो काउंसलिंग है, हाँ जी, हो सकता है उस वक्त इमोशनली वीक हो या हो सकता है सोशली वो बाहर अपनी लाइफ में वीक हो चुके हो, कुछ भी हो सकता है उसमें। बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ जी, हम यथासंभव, आप खुद एक टीचर है और आप अकेडमिक्स इतने सालों से देख रही होंगी, हाँ जी, कि कोशिश ये रहती है टीचर्स की, आज भी प्रयास है कि पढ़ाई पढ़ाई रहे, बोझ ना बने। बिल्कुल, और आज अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, हाँ, हमने कितना बेहतर कोशिश करने की है कि बच्चे जो है खेल खेल में पढ़ाई कर ले और समझ ले, प्रेशर ना पड़े, उनको प्रेशर किसी भी तरीके से ना हो, हाँ जी, तो वो चीज आसान बनाने की कोशिश है। हाँ, लेकिन चूंकि हम जिस एज में बढ़ रहे हैं जहाँ डिजिटल
एज आ गया है, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली वाइज हम बहुत ज्यादा उन्नत हो रहे हैं, हाँ जी, तो चीजों का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है, हाँ जी, वहाँ चीजों को इक्विलिब्रियम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल। और बल्कि अगर मैं अपनी जनरेशन देखूं तो हम शायद सब टेक्निकली चैलेंज्ड हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इस यू नो लैपटॉप्स को फोन्स को इतने अच्छे से यूज करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को कई बार खुद ही हल कर लेते हैं, काउंसलर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत जरूरी है कि एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए, सोशल सिचुएशंस को सपोर्ट करते हुए काउंसलर जो है गाइड करते हुए अपने क्लाइंट को आगे लेके चले। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा काउंसलर अपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। इंटरव्यू मेथड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जहां आप सवाल पूछते हैं, क्लाइंट आपको जवाब देते हैं, और उन सवालों के थ्रू आप क्लाइंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। क्वेश्चनेयर भी एक तरीका है जिसमें एक रिटन फॉर्मेट में आप अपने क्वेश्चंस क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट उनको भर के अपनी भाषा में अपनी प्रॉब्लम्स को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट को एक ऑटोबायोग्राफी लिखने को भी कहा जा सकता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, एनेक्डोटल का क्या मतलब है, कोई एक एपिसोड हुआ मेरी लाइफ में जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं उस एपिसोड को भी अपने काउंसलर को बता सकती हूँ, जिसके थ्रू काउंसलर जो है मुझे और समझ सके। सोशियोमेट्री एक टेक्निक होता है जिसमें हम ग्रुप बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। हाँ जी, नया शब्द है, लेकिन आपसे मुलाकात हुई है, आपके साथ सेशन है, वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस एंड क्या होगा ये। हाँ जी, तो सोशियोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें छोटे ग्रुप्स को स्टडी किया जा सकता है। और अगर हम अपने आसपास देखें, हर ग्रुप में, अपनी क्लास में भी अगर हम देखें, तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, टीचर्स के भी फेवरेट होते हैं, स्टूडेंट्स के भी फेवरेट होते हैं, बट सेम क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल अलग से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, निग्लेक्टेड फील करने लगते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। इनफैक्ट आप जो टर्म्स बोल रहे हैं ये सोशियोमेट्री टर्म्स हैं, क्योंकि हम हर बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो अकेला रहना चाहता है तो वो एक आइसोलेट है, अगर लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, उसे अपने ग्रुप में नहीं ले रहे हैं, तो वो एक रिजेक्टी है। अगर वो इन्वॉल्व होना चाहता है बच्चा, लेकिन लोग उसको अपने ग्रुप में नहीं ले रहे हैं, तो वो एक निग्लेक्टी है। छोटे ग्रुप्स भी होते हैं, 3 लोगों के ग्रुप्स भी होते हैं, 4-5-6 लोगों के ग्रुप्स भी होते हैं, इन्हें डायड, ट्रायड, क्लिक कहा जाता है। और इस मेथड से भी हम क्लाइंट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन तो हम कर ही सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा हम क्लाइंट के नॉन वर्बल क्यूज को हम देख के उसके बारे में जान सकते हैं। हाँ जी, एक कंप्लीट केस स्टडी की जा सकती है क्लाइंट के बारे में। और ये तो नॉन फॉर्मल टेक्निक्स हो गए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स या साइकोलॉजिकल टेस्ट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो कि एक ट्रेन्ड पर्सन क्लाइंट के साथ यूज करके क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पा सकता है, जो उसकी अंतर्मन की स्थिति है, जो उसकी अनकॉन्शियस की स्थिति है, जो वो ओपनली लोगों को नहीं बता पाते, बट साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा हम इस तक भी पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। अब इन सब टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए जब हम काउंसलिंग सेशन में बढ़ते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि काउंसलिंग सेशन के कुछ एथिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और ये हम इस सेशन के शुरू से हम इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इनके ऊपर हम इम्प्रेस कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए वी हैव टू रिमेम्बर कि एज अ काउंसलर हमें अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सबसे आगे, सबसे इम्पॉर्टेंट रखना है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमें क्लाइंट के लिए डिसीजंस नहीं लेने होते हैं, हमें क्लाइंट के बारे में समझ के
क्लाइंट को अपने बारे में समझने की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए. और जब क्लाइंट अपनी सिचुएशन को समझता है, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई अडल्ट है, जब क्लाइंट अपने आप को समझना शुरू कर देता है तो वो अपने आंसर्स खुद ब खुद बहुत जरूरी है कि हमें क्लाइंट को किसी प्रकार का हार्म नहीं होने देना है. right. चाहे वो मेंटली हो या इमोशनली हो, हमें किसी भी तरह की चीज बोलकर क्लाइंट को किसी प्रकार से हार्म नहीं करना है. एज अ काउंसलर हमें क्लाइंट को सबसे आगे रखना है, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स को सबसे आगे रखना है. सो एज अ प्रोसेस एक बारी और हमें ये समझने की जरूरत है कि गाइडेंस एक अम्ब्रेला टर्म है. गाइडेंस इज द ब्रॉडर टर्म जिसको हम मार्गदर्शन कह रहे हैं, जो एज अ वेरी कैजुअल थिंग कोई भी दे सकता है. हमें अगर अपने घर से कहीं जाने का रास्ता भी पता करना हो तो जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो भी एक गाइडेंस है. अगर मुझे अपना होमवर्क खत्म करना है और मैं अपने मदर से पूछती हूँ कि इसको कैसे करना है, वो भी एक गाइडेंस है. बट जब हम काउंसलिंग पर पहुंचते हैं तो काउंसलिंग एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस हो जाता है जिसके लिए एक ट्रेन्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है? हमारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत तरह के कोर्सेज हैं जो हमें काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन. स्पेशली आजकल के हिसाब से अगर हम सोचें या देखें, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो रही है. इतने प्रेशर्स हैं आजकल, चाहे वो बच्चों पर हो या चाहे वो एडल्ट्स पर हो. वर्क प्रेशर्स हैं, स्कूल प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, मैरिटल प्रेशर्स हैं. इन सब को डील करने के लिए जो पहले हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे तो हम बड़ों से जाके हमने बातचीत की, उन्होंने हमें एडवाइस दे दिया. हाँ जी, सीधा इसको कहा जाए. हाँ जी, मरना आसान था. हाँ जी, अभी क्या हो रहा है कि आपको फेस भी अकेले करना है. हाँ जी, आप अल्टीमेटली आप झेल रहे हैं. अकेले ही झेलते हैं. कि आप झेल रहे हैं. हाँ जी, आप स्ट्रेस में हैं क्योंकि आपको सामना करना है. हाँ, और उभरने के लिए भी आप ही हैं अपने आप. हाँ जी, ये हो रहा है बिल्कुल. तो जो वो पहले हम फैमिली पे डिपेंड कर लेते थे, वो सिचुएशंस अब और ज्यादा कम होती जा रही हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, काउंसलर्स का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, विच मीन्स दैट एक्चुअली वी नीड काउंसलर्स इन आर सोसाइटी टूडे टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड टू हेल्प अडल्ट्स गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशंस. और आगे बढ़ने के लिए इन काउंसलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो ऐसी सिचुएशन में इसका ये मतलब है कि हमें काउंसलर्स तैयार करने की जरूरत है. तो कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है. जैसे मान लीजिए इग्नू का एक कोर्स है काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी का. Okay. बहुत बढ़िया कोर्स है. जो इंटरेस्टेड हो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड दे विल एक्चुअली बेनिफिट एंड दे विल बी एबल टू बेनिफिट सोसाइटी एज वेल. सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसा आपने कहा, काउंसलर्स का रोल, काउंसलर्स की इम्पोर्टेंस, गाइडेंस देने की जरूरत, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमें सबके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने. और जैसा कि अभी डॉक्टर वेनू ने बताया कि तमाम कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने कोर्सेज अवेलेबल है वो ऐसा नहीं कि सबके लिए है. आप पहले ये तय कर लें कि आपको काउंसलर बनना है, आप तय कर लें कि आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, आप तय कर लें कि आपको पेशेंस की जो क्वांटिटी है अपने अंदर उसको बढ़ाना है, जो क्वालिटी है उसको और निखारना है. क्योंकि आप जितना अच्छा पेशेंस के साथ अपने क्लाइंट्स को सुनेंगे, अपने दोस्तों को सुनेंगे, उन बच्चों को सुनेंगे जो थोड़े से भी स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती ही जाएगी, वो कम कभी भी नहीं होने वाली है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नो, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि बहुत ही नॉमिनल चीज है, क्योंकि ये हम लोगों की आम जिंदगी में होता है, मेरी भी जिंदगी में होगा. अभी एक हालिया केस है मेरे साथ, एक मेरा फ्रेंड जो मेरा कॉलेज मेट है,
हम लोग आपस में बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, मिल नहीं पाते हैं क्योंकि अब दूरियां इतनी हैं, वो किसी और शहर में है। बट लकीली ऐसा हुआ कि मिलना पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने कुछ ऐसा टर्म यूज किया व्हाइल वी आर टॉकिंग ओवर द फोन की सुसाइड एक वर्ड आया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अनईजी लगा। मैं काउंसिलर नहीं हूँ, मैं जाहिर सी बात है एक नॉन स्पेशलिस्ट काउंसिलर हूँ, उसके लिए फ्रेंड मैं उसके लिए डॉक्टर भी हो सकता हूँ, मैं उसके लिए लॉयर भी हो सकता हूँ और मैं उसके लिए जो है टीचर भी हो सकता हूँ। तो मैंने समय निकाला। तो यहाँ पर आपकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपको अपना टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग नाउ अडेज बिकॉज नोबडी हैज टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप किसी के पास जाएंगे आएंगे आपका समय खर्च होगा, आप फ्यूल खर्च करेंगे, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें होंगी, आप इमोशन खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीजों को बचाएंगे, आप एक परिवार को भी सेव कर सकते हैं। तो बहुत सही काम आपको करना है। ये बहुत अच्छा बेहतर एक सेशन रहा और आई एम श्योर हमारे पास हालांकि कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, शायद जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या जो पठन पाठन में लोग लगे हुए हैं कहना चाहिए शिक्षण में, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा और बहुत कम समय रह गया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे कंक्लूड करें। कंक्लूजन में मेरे ख्याल मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। जब आप अपने लिए अपने आप के लिए हर प्रकार के आंसर्स दे पाएंगे तभी आप किसी और की मदद कर पाएंगे। आप में वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि एक काउंसलर के लिए जरूरी हैं, पेशेंस, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक लिसनिंग कैपेसिटी, एक गाइड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए टू बी एबल टू बिकम अ काउंसलर। और प्रोफेशनल काउंसलर ही बनना जरूरी नहीं है, ऑन अ रेगुलर बेसिस डे टू डे बेसिस भी जब आप अपने एक मित्र की बात सुनते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड जो डिस्ट्रेस में है जैसे आपने कहा अभी उसकी बात सुनते हैं और उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप इनडायरेक्टली काउंसलिंग ही कर रहे हैं। एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस ये इनडायरेक्ट काउंसलिंग हम लोग बहुत तरह तरह से करते रहते हैं। बट अगर आपको ये लगता है कि आप में ये कैपेसिटी है टू गेट इन टू दिस फील्ड प्रोफेशनली, तो यू नीड टू गेट योर एजुकेशन दैट विल टेक यू टूवर्ड्स दिस फील्ड। एंड उस एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए आप ग्रेजुअली ट्रेनिंग और कोर्सेज और तरह तरह के प्रोसीजर्स हैं आजकल, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि काउंसिलिंग के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं और अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव काउंसलर बनाने के लिए आप इन हर प्रकार के कोर्सेज को करते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं एज अ काउंसलर। एंड जैसा कि हम बार बार उसकी इंपॉर्टेंस को बता ही रहे हैं, आजकल के जमाने में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसके साथ आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप लोगों के किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर जुड़ सकते हैं। एट एनी लेवल आप मुझसे जुड़ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं अपनी कैपेसिटीज के अंतर आपको हेल्प करने की कोशिश करूं, आपको सही प्रकार से गाइडेंस देने की कोशिश करूं और अगर जरूरत पड़ती है तो आपको काउंसलिंग की तरफ ले चलूं। ऐसा जरूर होगा और मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास है तो बेहिचक आप हमारे को ईमेल कीजिएगा, ciet.kishoremanch@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। आप यदि कोई भी प्रश्न, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप एक ऐसे दोस्त से बात कर रहे हैं जो एक कन्फेशन बॉक्स में बैठा हुआ है जो नहीं जानता कि वहां कौन है, और आप जब ये ईमेल भेजेंगे तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ भी मेंटेन रहेगी, ये मेल सीधा जो है डॉक्टर मीनू के पास ही जाएगा और आपको ईमेल पर ही उसका आंसर मिलेगा। यानी कि आपके प्रश्न और आपके प्रश्न के उत्तर आने तक कोई भी ऐसी आवाज नहीं आएगी जो किसी और को मालूम हो, लेकिन हाँ आपको ये अपने अंदर पहले विश्वास पैदा करना होगा कि आप जो बात पूछने जा रहे हैं वो कितनी सही है और कितनी आपको उसकी जरूरत है, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए भी, क्योंकि काउंसलिंग एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुझे यहाँ पर जो आपके सेशन में मुझे भी जानने को मिला ये कि वो अपने काउंसलिंग की मुलाकात खुद से कराता है। बिल्कुल, जो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ
प्रेशर या कुछ भी कहें, जो भी एक लाइफ की प्रोसीडिंग्स हैं, तो बहरहाल बहुत बेहतर रहा सेशन ये आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहूंगा CIET की पूरी टीम की ओर से। डॉक्टर वीनू आप यहाँ तक आई, आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा, आपने प्रेजेंटेशन बनाया, जो भी आपने कॉन्टेंट इंक्लूड किया है इसमें, दिस इज रियली फैंटेस्टिक फॉर अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। तो ये आपने सुना डॉक्टर वीनू वाधवा को, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, बहुत समय से इस पूरे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, और काउंसलिंग की जो उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घर में रहकर भी काउंसलर बन सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। मैंने ये सब उदाहरण इसीलिए जोड़ा क्योंकि इसकी ज़रूरत आज अमूमन सबको है, चाहे हमारे घर में कोई हो, हमारे आसपास कोई हो, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए हमें कहना चाहिए कि इंसानियत को ज़्यादा आत्मसात करना होगा, तब हम शायद किसी की ज्यादा मदद कर पाएंगे। वैराग इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे ये कहूंगा कि हमारे तमाम ऐसे सेशंस के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए CIET के ये जो प्रोग्राम्स हम लेकर आते हैं आपके लिए PME विद्या चैनल्स पर और NCERT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल ये सेशन यही समाप्त होता है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।